हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एसएमएसटी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास चैप्टर 2 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले दो चैप्टर का मैंने सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 20 के दांत कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन यह है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी है कमलेश्वर, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन यह है, गिरधर लाल कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है कासू के पिता, ऑप्शन नंबर बी है मदन के पिता, ऑप्शन नंबर सी है रजनी का पिता तथा ऑप्शन नंबर डी है शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल मदन का पिता है। गिरधर लाल किसका पिता है, तो मदन का पिता है। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। ऑप्शन नंबर ए है 3 दांत, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े, तो 2 दांत तोड़ दिए, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए है पद्मावती शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है कलावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नावती शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का क्या नाम है, तो रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रत से उभर कर आए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिकता का। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए, तो मनोवैज्ञानिकता का, ऑप्शन नंबर बी आंसर। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है दोस्तों, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो ऑप्शन नंबर ए है ड्राइवर से, ऑप्शन नंबर बी है मदन से, ऑप्शन नंबर सी है खोखा से तथा ऑप्शन नंबर डी है इंजीनियर से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था, ऑप्शन नंबर सी आंसर राइट होगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है तमिल का, ऑप्शन नंबर बी है भोजपुरी का, ऑप्शन नंबर सी है बांग्ला का, ऑप्शन नंबर डी है हिंदी का। तो मैं बता दूं दोस्तों, खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही। तो ऑप्शन नंबर ए है सेन साहब की धर्म पत्नी ने, ऑप्शन नंबर बी है गिरधर ने, ऑप्शन नंबर सी है सेन साहब ने तथा ऑप्शन नंबर डी है सोफर ने। तो इसका सही आंसर होगा सेन साहब ने, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते, यह पंक्ति सेन साहब ने कही, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नौवां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, खोखा खोखी का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चा बच्ची, खोखा खोखी का क्या अर्थ होता है, तो बच्चा बच्ची, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, दसवां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, खोखा का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है कीसू, ऑप्शन नंबर बी है कूसू, ऑप्शन नंबर सी है कासू, ऑप्शन नंबर डी है केसू। तो इसका सही आंसर होगा खोखा का नाम कासू है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलिए दोस्तों, ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, बीस के दांत कैसी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर सी है धार्मिक तथा ऑप्शन नंबर डी है मनोवैज्ञानिक। तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बारहवां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए है बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन नंबर बी है वकील, ऑप्शन नंबर सी है प्रोफेसर, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन या इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे।
तेरा हमारा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन नंबर ए है माता के हाथों से, ऑप्शन नंबर बी है सेन साहब, ऑप्शन नंबर सी है खोखा, ऑप्शन नंबर डी है पिता। तो मदन अपने पिता के हाथों से अक्सर पीटा करते थे, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 14 हमारा नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए है पंडित रमा अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी है पंडित मृत्यु जय शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है पंडित दशावतार शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा पंडित रमा अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नलिन बिलोचन जी के शर्मा के नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिता का क्या नाम है? तो पंडित रमा अवतार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को, सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, बीस के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधी को उजागर करती है? तो इसका सही आंसर होगा मध्यम वर्ग को, बीस के दांत कहानी मध्यम वर्ग को अंतर्विरोधी को उजागर करती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो ऑप्शन नंबर ए है फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन नंबर बी है हॉकी के खेल में, ऑप्शन नंबर सी है बैडमिंटन के खेल में, ऑप्शन नंबर डी है लड्डू के खेल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लड्डू के खेल में। कासू मदन के साथ लड्डू के खेल में शरीक होना चाहता था लेकिन मदन खेलने नहीं दिया। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, सेन साहब किसके बैंक से एडकर रह गए? तो इसका सही आंसर होगा पत्रकार महोदय के बैंक से, सेन साहब पत्रकार महोदय के बैंक से एडकर रह गए, ऑप्शन नंबर ए आंसर। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है 5 से 6 साल, ऑप्शन नंबर बी है 7 से 8 साल, ऑप्शन नंबर सी है 3 से 4 साल, ऑप्शन नंबर डी है 9 से 10 साल। तो इसका सही आंसर होगा 5 से 6 साल, मदन की उम्र क्या थी? तो 5 से 6 साल, ऑप्शन नंबर ए आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, मदन किसका पुत्र था? तो मैं अभी ही थोड़ा देर पहले बताया हूँ कि मदन गिरधर लाल का पुत्र था, यानी कि मदन के पिता कौन था? तो गिरधर लाल, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधर लाल का। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? तो ऑप्शन नंबर ए है सन 1958 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है सन 1957 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है सन 1963 ईस्वी में तथा ऑप्शन नंबर डी है सन 1959 ईस्वी में। तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष सन 1959 ईस्वी में बने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 14 जनवरी 1915 को, ऑप्शन नंबर बी है 18 फरवरी 1916 को, ऑप्शन नंबर सी है 22 मार्च 1917 को तथा ऑप्शन नंबर डी है 24 अप्रैल 1918 को। तो दोस्तों नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए है 12 सितंबर 1961 को, ऑप्शन नंबर बी है 14 सितंबर 1961 को, ऑप्शन नंबर सी है 16 सितंबर 1961 को तथा ऑप्शन नंबर डी है 18 सितंबर 1961 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 12 सितंबर 1961 को, नलिन बिलोचन शर्मा जी का मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुआ था। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैं बता दूँ दोस्तों इसका रहा राइट आंसर, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म पटना जिला के बदरघाट गाँव में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, बदरघाट के पटना जिला में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दोस्तों दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, लड़किया क्या है? कनपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है? लड़किया क्या है? कनपुतलिया है, इसे
किस बात पर गर्व है? तो इससे इसके माता पिता को गर्व है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। लड़किया क्या है कनपुतलिया? किसी बात पर गर्व है तो माता पिता को, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ है, कौए की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? ऑप्शन नंबर ए है कबूतर, ऑप्शन नंबर बी है हंस, ऑप्शन नंबर सी है बतख, ऑप्शन नंबर डी है मछली। तो मैं बता दूं दोस्तों, कौआ की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन हमारा यह, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया? तो ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी है खोखा के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी है मदन के अनुसार, ऑप्शन नंबर डी है गिरधर के अनुसार। तो दोस्तों खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों 30वां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है, सोफर शब्द का अर्थ है, यानी कि सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है संबंध, ऑप्शन नंबर सी है निर्ममता, ऑप्शन नंबर डी है ड्राइवर। तो दोस्तों सोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है स्टडी एस के मस्ती। चलिए दोस्तों इसी के साथ यह हमारा वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।